मेरा दिल आशना है मूवी टाइटल। दैट कोरियन सॉन्ग वेरी वेरी स्पेशल प्रोजेक्ट, सो उसमें मल्टीपल सॉन्ग्स हैं। तो गाइस फाइनली अरमान मलिक की तरफ से बहुत सारे बड़े बड़े अपडेट्स आई है, जैसे कि उनके अपकमिंग बड़ा प्रोजेक्ट्स और कोलैबोरेशंस, उनका सेकंड एल्बम M2 एंड OJB, और साथ साथ बहुत सारे अपकमिंग सॉन्ग्स। और अरमान ने बॉलीवुड सॉन्ग्स क्यों छोड़ दिए इसके बारे में भी बात की है। और सिर्फ इतना ही नहीं, अरमान का एंगेजमेंट शादी के बारे में आशना से वो कैसे मिले और फैंस जेलस से उसके बारे में अरमान ने क्या रिएक्ट किए, सब कुछ आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। तो वीडियो पूरा देखना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर देना। सर अरमान ने सबसे पहले बात किया उनके अपकमिंग एल्बम के बारे में, जिस पर उन्होंने बहुत दिनों से काम कर रहे थे, जिसका टाइटल M2 है, जिसका फुल टाइटल अभी तक रिवील नहीं किए हैं, अभी तक M2 बोल रहे हैं और OJB बोल रहे हैं। जब उनको फैंस ने पूछा M2 क्या है, उन्होंने कहा M2 OJB है और OJB M2 है, इससे ज्यादा वो रिवील नहीं कर सकते हैं। लेकिन आपको बता दूं, अमाल मलिक ने भी कहा ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होने वाला है, बहुत स्पेशल सॉन्ग्स होंगे इस एल्बम में। और अरमान ने उन्होंने पहला एल्बम किया तब वो 15 और 16 थे और अभी वो 28 इयर्स के हो गए हैं, तो बहुत साल बाद आ रही है अरमान का सेकंड एल्बम, तो ये फैंस के लिए एक बहुत ही सरप्राइजिंग होने वाला है। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने कुछ कोलैबोरेशंस के बारे में बात की है। उन्होंने एक और कोलैबोरेशन किया एक इंटरनेशनल आर्टिस्ट के साथ, उनके साथ भी लाइव आए थे और वो बहुत जल्द आने वाला है वो सॉन्ग भी। आपको कि उनके लाइव सेशन का ये क्लिप। It will be my first collaboration with a UK artist. So yeah, Callum is a beautiful singer. Pretty much in the same space as me. I mean, he sings a lot of romantic songs and ballads. So. उसके बाद अरमान को एक फैन ने कहा कि आपने एंगेजमेंट कर लिया तो आप में जेलस फील हो रहा है, उस पर अरमान ने क्या रिएक्ट किया आप खुद देखिए। Bit jealous that you got engaged forever, Arman fan. Why jealous? It's part of life. Everyone chooses a partner for their life and then takes the next step. और किसी ने जब पूछा अरमान को आपने हिंदी गाना क्यों छोड़ दिया, तो अरमान ने उसके बारे में कहा कि मैंने हिंदी गाना नहीं छोड़ा है, अभी भी हिंदी में गाता हूँ, बल्कि मेरे रिसेंटली भी बहुत सारे हिंदी सॉन्ग्स आया है, मेरा एंगेजमेंट सॉन्ग भी वो भी कसम से आया है, वो भी हिंदी ही है, बस बॉलीवुड से आगे बढ़ चुका हूँ, बॉलीवुड गाने अब नहीं आ रहे हैं। फिर जब एक फैन ने पूछा आप आशना से कब और कैसे मिले, तो उसके बारे में अरमान ने रिप्लाई किया आशना से मैं कैसे मिला याद करते हुए उन्होंने कहा हाँ मुझे याद तो है लेकिन अभी नहीं बताऊंगा। तो अरमान ने कहा उन्होंने एक वीडियो शूट किया है आशना के साथ, उसमें वो पूरा स्टोरी बताएंगे आशना से कैसे मिले। फिर एक फैन ने कहा अगर याद नहीं है तो पक्का तुम पिटने वाले हो, उसपे अरमान ने बहुत क्यूट रिएक्शन दिया है। और जब किसी ने पूछा आपका फियांसे का नाम क्या है, अरमान ने कहा मेरे फियांसे का नाम आशना है, मेरा दिल आशना है, जो एक फिल्म का नाम है उसी को रेफर किया अरमान ने बहुत ही क्यूट तरीके से, तो आपको ये बहुत ही अच्छा लगेगा। यू फर्स्ट मीट आशना, अब तो बता दो वीडियोस तो पिटने के चांसेस कम है, लेकिन हाँ मतलब अगर जेन्युइनली याद नहीं रहता तो हाँ पिट सकता था। रॉन्ग इंग्लिश हो गया। आई होप आपको पूरा अपडेट्स मिल गया होगा। और साथ साथ अमाल मलिक का एक माइनर अपडेट ये है कि रिसेंटली अमाल मलिक ट्विटर पर अपने फैंस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा थे, उन्होंने कुछ बहुत सारे ट्वीट्स किए अपने फैंस को वार्निंग दिए कुछ चीजों के लिए। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं अमाल का ये ट्वीट्स, बहुत ही गुस्सा थे वो अपने फैंस पर। तो आई होप आपको सारा अपडेट्स मिल गया होगा। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ऐसे मोर अपडेट्स के लिए।